हेलो हिपहॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं बादशाह से। तो बादशाह का जो इंटरव्यू देखने को मिला था लल्लन टॉप से, और उसमें उन्होंने जो कुछ लाइंस कही थी हनी सिंह के लिए, तो उन्हीं लाइंस का आज उन्होंने एक पोस्टर डाला था, जिसके नीचे काफी सारे रैपर्स ने कमेंट भी करा है। तो रागा लिखता है, सिक इक्का ने कुछ ऐसे इमोट्स डाले थे, GD47 हट देनी मुंडे। साथ ही कल उन्होंने एक पोस्टर डाली थी जिसका कैप्शन था फिर वही बात, और उन्होंने अपनी स्टोरी में लल्लन टॉप का वो इंटरव्यू भी शेयर करा था। इसके अलावा बादशाह ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर भी चेंज कर लिया है। खैर अब बात कर लेते रफ्तार के बारे में। तो सलीम मर्चेंट का भी एक पॉडकास्ट देखने को मिला है, जिसमें उनसे रैप म्यूजिक के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ पे वो रफ्तार का नाम लेता है। इसके अलावा किंग के बारे में भी वो बात कर रहे थे। तो सलीम मर्चेंट सर कहता है कि रफ्तार जो है वो उनके फेवरेट हिप हॉप आर्टिस्ट है इंडिया में, उनको उनकी राइटिंग पसंद है, उनका फ्लो पसंद है, जिस तरीके से रफ्तार सोचते हैं वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। रफ्तार कैन लिटरली शॉक यू विद हिज पोएट्री, हिज थिंकिंग। फिर वो कहता है कि रफ्तार का प्रोडक्शन में भी हाथ काफी जमा हुआ है, रफ्तार को सिर्फ एक रैपर नहीं कहा जा सकता, वो ओवरऑल म्यूजिक को काफी समझता है। तो ये तो मैंने अपनी भाषा में समझा दिया, आप लोग पॉडकास्ट जाके देख सकते हो। बाकी वो किंग के बारे में बताता है कि उन्होंने किंग के साथ भी काम करा था भूमि 2022 में, जहाँ पे उनके साथ उन्होंने एक ट्रैक करा था। खैर GQ इंडिया से अभी एक रील देखने को मिली है, GQ बेस्ट ड्रेस्ड 2024, तो इसमें रफ्तार और कृष्णा भी है। खैर इस रील में काफी सारे आर्टिस्ट क्रिएटर्स हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन जो है वो पूरा अपने हिप हॉप से भरा हुआ है रफ्तार और कृष्णा के कमेंट से। खैर अब बात कर लेते हैं हनी सिंह के बारे में। तो हमारे जो कुछ इंडियन क्रिकेटर्स भाई है वो वाइब करते हुए दिखे हनी सिंह के कुछ ट्रैक्स पे, तो एक स्टोरी रीशेयर करी थी हनी पाजी ने, तो यहाँ पे आप लोग देख लो। इसके अलावा उमर अंजुम की अभी एक EP आउट हो चुकी है, बैड एग्जाम्पल्स EP। बादशाह का DJ वाले बाबू ट्रैक अभी 500 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। हनी सिंह का बोनीता गाने का म्यूजिक वीडियो मोस्ट व्यूड वीडियोस इन पास्ट 24 आवर्स में फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। खैर अब बात कर लेते हैं MUA वर्सेस किंग के बारे में। तो एक फिजिक्स के टीचर है, तो उनका भी एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें वो इस बीफ के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जीते किंग या MUA बंटा है, ओ माय गॉड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जीते किंग चाहे जीते MUA बंटा है, बट हम तो चाहते हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएं। ओ माय गॉड, हम तो चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएं। इसी के साथ मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।